अब दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों को एक चीज में बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर बाय मिस्टेक यहाँ पे गलती से दो चीजें ऐड हो गई है, वो क्या मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने गलती से लिवन आउट स्किट का नाम ले लिया था, वहाँ पे फिशेस नहीं मिलती, वो गलती से ऐड हो गया है। और यहाँ पर एक रेनबो थर करके फिश होती है तो मैंने उसको मैप बता दिया है, तो वो भी गलती से ऐड हो गया। और दोस्तों सच बताऊं तो मैं इसको हटा नहीं सकता हूं, अगर मैं हटाने की कोशिश करूंगा तो मेरे को पूरा का पूरा वीडियो वापस से बनाना पड़ेगा, तो प्लीज सर थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि भाई गलती से ऐड हो गया है, वो बाय मिस्टेकली बस जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा था और वो ऐड हो गया बस। और इसको मैंने अभी बताना इसलिए इंपॉर्टेंट समझा ताकि भाई आप लोग समझ जाओ स्टार्टिंग में, नहीं तो फिर बीच में बोलोगे आप भाई कुछ भी बोल रहा है कुछ भी बता रहा है, तो वो खुद को नहीं मालूम भाई मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, क्योंकि भाई हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, और भाई कैसे कैसे वीडियो बन रहा है ये भाई हम लोग ही जानते हैं। तो प्लीज सर सपोर्ट करना और भाई ज्यादा दिमाग में मत लेना, क्योंकि अरे गलती से हो गया यार। अब फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि भाई काफी ज्यादा हमने यहाँ पे चपड़ चपड़ कर लिए। तो दोस्तों आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है एक और कमाल का वीडियो लेकर कमाल के टॉपिक के साथ। गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है अपनी फिश गाइड के ऊपर होने वाली है, और मेरी मानो तो अगर आपने ये वीडियो को पूरा वॉच कर लेना तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है आपके फिश इंडेक्स को लेके, क्योंकि भाई इसमें मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको कि कौन कौन सी फिश कौन कौन से मैप में मिलेगी, किस किस टाइप की फिशेस होती है और कितने टाइप के यहाँ पे फिशिंग रोड्स होती है और कैसे कैसे आप पकड़ सकते हो, मतलब टोटल यहाँ पे फिश के बारे में आज बात होने वाली है। तो चखना तो अपन लेके आ गया मछलियों को, बाकी की चीजें आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, आप ही लेके आओ। जब 1000 फैमिली यहाँ पे साथ में बैठ के खाएगी पिएगी तो कितना मजा आएगा आप खुद ही सोच सकते हो। तो भाई प्लीज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना, और भाई बेल नोटिफिकेशन का इंतजार मत करना, उसको भी हिट कर देना ताकि जितने फ्यूचर में वीडियो डालू सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ही देखने को मिले। और दोस्तों आप सभी का इतना प्यार और इतना सपोर्ट देखते हुए हम लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेस क्लिक करके रखे हैं, और भाई आपको सारे सरप्राइजेस पता चलेंगे कुछ आने वाली इस वीडियो में, क्योंकि भाई ये सरप्राइज अगर मिस कर दिया ना तो फिर भाई मुझे मत बोलना बाद में कि भाई हमको सरप्राइज नहीं मिला, हमको भी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू वॉच करना, प्लीज स्किप मत करना, और फटाफट से अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं हूं आपका दोस्त सोनिक और आपका स्वागत है सोनिक 9X के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस ज्यादा टाइम की वेस्टिंग ना करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। अबे इंट्रो लगा काम, भाग रहे जल्दी। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि आपको ये फिशिंग वाला मिशन उठाने के लिए आपको होप 101 में कमर्शियल ब्यूरो में जाकर आपको बोर्ड से आपको एलिजिबल को फिशिंग नाम का एक क्विस्ट उठाना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे काफी ज्यादा इजी कर दिया आपको, डायरेक्टली सर्वाइवल मेनू में दे दिया, तो आपको सीधा मिशन देखना है, भाई लोकेशन पे जाना है वहां से मिशन उठाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप अगर ये वाला मिशन पे आ जाते हो चैप्टर 4 पे, तो चैप्टर 4 का कलेक्शन इंडेक्स का ये वाला मिशन रहता है 5th और 6th का, तो ये वाला मिशन आप देख लेना, फिश रिसोर्स एंड लर्न हाउ टू फिश करके दो मिशन देंगे, तो आपको ये दोनों लेना है, उसके बाद ही आप आगे की फिशेज जो है वो पाओगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, असेरेंस हिल्स में चले जाना, वहां पर आपको ये बास मिल जाएगा, तो वहां पर आप सिंपली कुछ ले सकते हो, और ये बास आपको जो भी फिशिश पकड़ने के लिए बोलता है और जो भी करने के लिए बोलता है तो वो सब करना, उसके बाद ही आप फिशिंग का जो भी आपका चैप्टर रहेगा वो कंटिन्यू कर पाओगे। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फिशिंग रोड। तो दोस्तों लाइफ आफ्टर में अभी तक यहाँ पे 5 टाइप की फिशिंग रोड है, जैसे कि वुडन फिशिंग रोड, फिर उसके बाद में आयरन फिशिंग रोड, उसके बाद में फाइबर ग्लास फिशिंग रोड आ जाती है, उसके बाद में इंप्रूव्ड FG फिशिंग रोड आ जाती है, उसके बाद में एक्सक्यूजेड FG फिशिंग रोड आ जाती है। तो ये 5 टाइप्स यहाँ पे फिशिंग रोड होती है। तो दोस्तों आपका फिशिंग रोड जितना हाई लेवल का होगा उतनी ज्यादा आप अच्छी वैरायटी की फिशेस पकड़ पाओगे। फिर दोस्तों अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर फिश बीट्स की, यानी कि मछलियों के चारे की। तो दोस्तों लाइफ आफ्टर में फिशेस पकड़ने के लिए यहाँ पे 5 टाइप की बीट्स भी होती है, जैसे कि तो दोस्तों पहले वाला यहाँ पर मेटल फिश बीट आता है, तो इस बीट के जरिए आप यहाँ पे सारे टाइप्स की फिश पकड़ सकते हो। फिर दोस्तों सेकंड में यहाँ पर अपना वेजिटेबल फिश बीट आता है, तो इस बीट से आप जितने भी यहाँ पे जानवर बोरस अरे मैं सर आपसे नहीं बोल रहा था, गलती से निकल गया, मैं हार्वी बोरिस बोल रहा था, जानवर बोरिस निकल गया गलती से, तो सॉरी, यहाँ हंस लो थोड़ा सा, चले जाओ। हाँ तो फाइनली भाई गया, बच गई मेरी जान यहाँ पे छूटी। तो दोस्तों अपनी यहाँ पर वेजिटेबल फिश बीट जो होती है ना, उससे आप जितने भी यहाँ पे हार्बिवोरस फिश होती है, जो भी शाकाहारी फिशेज जो होती है ना, उनको आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं वेजिटेरियन फिशेज। फिर दोस्तों अपने जो थर्ड वाली यहाँ पे निकल के आती है उसका नाम है मीट फिश बीट। तो गाइस इससे क्या होता है, जो भी कार्निवोरस फिशेज जो होती है ना, जो मीट खाती है, वो इसके थ्रू आप पकड़ सकते हो। अबे साले मरवाएगा क्या, जानवर बोरिस नहीं कार्निवोरस है पागल आदमी। फिर दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर पे श्रिम्प फिश बीट आती है, तो इसके जरिए आप यहाँ पे सेंटोपेनी मैप में काफी ज्यादा लॉबस्टर आसानी से पकड़ सकते हो। फिर दोस्तों पांचवे नंबर पे यहाँ पे बेसिक फिशिंग ट्रैप निकल के आता है, तो इससे क्या होता है कि इसको जब आप पानी में थ्रो करते हो तो उस जगह पर लेवल 1 से लेके लेवल 3 तक का रेंडमली कोई भी फिशिंग पॉइंट जनरेट हो जाएगा, जिसमें आप एक पर्टिकुलर टाइप का फिश पकड़ सकते हो। फिर दोस्तों अभी अपने यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑटो फिशिंग की। तो भाई लाइफ आफ्टर के अंदर ऑटो फिशिंग का सिस्टम जो है काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि
जी भाई, उसमें आपको फोन को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं पड़ती या फिर अपने पीसी के सामने बैठे रहने की जरूरत नहीं पड़ती। बस ऑटो फिशिंग पे डालो और आपका प्लेयर जो है खुद ब खुद फिशिश पकड़ता रहेगा अपने आप ही। और सबसे बढ़िया मैप जो होता है वो सेंटोपेनी होता है ऑटो फिशिंग करने के लिए। तो भाई अगर आप फिशिंग करने के लिए जाओ तो सेंटोपेनी पे चल जाओ और वहाँ पे ऑटो फिशिंग पे डाल दो और अपने फोन को या पीसी को भाई एक साइड में रख दो ताकि आप अपना दूसरा काम भी कर सको। फिर दोस्तों अभी अपने यहाँ पर ये देख रहे थे कि कौन से फिश को आप कौन से मैप से पकड़ सकते हो। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर के यहाँ पे फिश जो निकल के आते हैं उसका नाम है क्लाउन फिश। तो आप इसको अम्यूजमेंट पार्क ड्यूरिंग हेलोवीन स्पेशल इवेंट से पकड़ सकते हो। उसके बाद में सेंटोपेनी बीच ड्यूरिंग यहाँ पे हेरिकेन इवेंट करके एक इवेंट आता है तो वहां से भी आप पकड़ सकते हो। फिर अपन यहाँ पे फ्लाइंग फिश की बात कर लेते तो ये सेंटोपेनी के मैप में हेरिकेन के इवेंट के टाइम में मिलता है। फिर अपन थर्ड फिश की बात कर लेते हैं जिसका नाम है जापानीज हालफिश। तो गाइस ये आपको सेंटोपेनी मैप में हेरिकेन के इवेंट के टाइम पे ही मिलता है। फिर अपन यहाँ पे फोर्थ फिश की बात करते हैं जिसका नाम है मेंटर है। तो आपको ये अम्यूजमेंट पार्क के हेलोवीन के इवेंट के टाइम पे ही मिल जाएगा और हेलोवीन आपको यहाँ पर अक्टूबर में 31 तारीख को देखने को मिलने वाला है। फिर यहाँ पर सिक्स नंबर की फिश की बात करते हैं यहाँ पर इसका नाम आता है मर्स कीपर। तो ये आपको सेंटोपेनी के मैप में हेरिकेन के इवेंट के टाइम पे ही मिल जाएगा। दोस्तों अभी यहाँ पे ज्यादा इवेंट की बातें ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कौन कौन से मैप पे कौन कौन से फिशेस मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर अपन क्रीप की बात करते हैं तो आपको ये फॉल फॉरेस्ट में मिल जाएगा, फिर सेंट कैस्टल में मिल जाएगा, फिर उसके बाद में स्नो हाइलैंड में मिल जाएगा, उसके बाद में माउंट स्वैम पे मिल जाएगा, उसके बाद में माउंट स्नो पे मिल जाएगा, उसके बाद में चार्ल्स टाउन रिवर में मिल जाएगा, उसके बाद में कैंप पॉइंट में मिल जाएगा, उसके बाद में लिविन हाउस स्टिक लिविन सिटी में मिल जाएगा, उसके बाद में रेडवुड टाउन में, उसके बाद में फास्टर सिटी में मिल जाएगा। देन अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे किट फिश की तो आपको कौन कौन से मैप में देखने को मिलेगा तो ये आपको फॉल फॉरेस्ट में देखने को मिल जाएगा, उसके बाद में सैंड कैस्टल में देखने को मिल जाएगा, उसके बाद में स्नो हाइलैंड्स में देखने को मिलेगा, उसके बाद में माउंट स्नो स्वैम जो भी नाम है यार माउंट स्वैम पे देखने को मिलेगा, उसके बाद में माउंट स्नो पे देखने को मिलेगा, उसके बाद में चार्ल्स टाउन रिवर में देखने को मिलेगा, उसके बाद में कैंप पॉइंट में देखने को मिलेगा, लिविन आउटस्कर्ट में देखने को मिलेगा, उसके बाद में लिविन सिटी में देखने को मिलेगा, उसके बाद में रेडवुड टाउन में और फास्टर सिटी में देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर अपन ग्रास क्रीप की बात करते हैं तो आपको फॉल फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा, उसके बाद में सैंड कैस्टल में देखने को मिलेगा, उसके बाद में स्नो हाइलैंड्स में देखने को मिलेगा, फिर माउंट स्नो और माउंट स्वैम दोनों मैप में ही देखने को मिलेगा, उसके बाद में चार्ल्स टाउन में देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में कैंप पॉइंट में और लिविन आउटस्कर्ट में और फास्टर सिटी में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर अगर अपन मैकरल की बात करते हैं तो आपको ये सेंटोपेनी में देखने को मिलेगा, उसके बाद में मेंटिस श्रिम्प की बात करते हैं तो आपको लिविन सिटी में देखने को मिल जाएगा, फिर उसके बाद में रिवन फिश की बात करते हैं तो आपको सेंटोपेनी में और लिविन सिटी दोनों में ही देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर अगर अपन रिवर क्रीप की बात करते हैं तो आपको ये फॉल फॉरेस्ट में सैंड कैस्टल में माउंट स्नो और माउंट स्वैम दोनों मैप में देखने को मिलेगा, उसके बाद में चार्ल्स टाउन रिवर में देखने को मिलेगा, उसके बाद में कैंप पॉइंट में लिविन आउटस्कर्ट में और फास्टर सिटी में देखने को मिलेगा। अगर अपन यहाँ पर सैल्मन की बात करते हैं तो आपको चार्ल्स टाउन में और सेंटोपेनी में देखने को मिलेगा। फिर अपन यहाँ पर श्रिम्प की बात करते हैं तो आपको ये फॉल फॉरेस्ट में सैंड कैस्टल में माउंट स्नो और माउंट स्नो दोनों मैप पे देखने को मिलेगा, उसके बाद में चार्ल्स टाउन रिवर में देखने को मिलेगा और अपने कैंप पॉइंट में देखने को मिलेगा, लिविन आउटस्कर्ट में देखने को मिलेगा, रेडवुड टाउन में और यहाँ पे फास्टर सिटी में देखने को मिलेगा। दोस्तों अपन यहाँ पर सिल्वर क्रीप की बात करते हैं तो आपको ये चार्ल्स टाउन और लिविन सिटी में देखने को मिल जाएगा, उसके बाद में स्ट्राइप वीवर की बात करते हैं तो आपको ये रेडवुड टाउन में देखने को मिलेगा, उसके बाद में स्क्वेड की बात करते हैं तो आपको ये सेंटोपेनी में देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर स्विमिंग क्रैब चाहिए तो आपको सेंटोपेनी में मिल जाएगा, ये तो नशेड़ी क्रैब है। एनीवेज फिर यहाँ पर अगर टर्बो की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे चार्ल्स टाउन सी साइड में देखने को मिलेगा, उसके बाद में येलो क्रूकर की बात करते हैं तो आपको सेंटोपेनी और चार्ल्स टाउन सी साइड में देखने को मिल जाएगा। फिर अगर अपन यहाँ पे पर्च की बात करते हैं तो आपको ये सैंड कैस्टल स्नो हाइलैंड माउंट स्नो माउंट स्वैम दोनों मैप में मिलेगा और उसके बाद में फास्टर सिटी में मिलेगा। फिर अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं बबल फिन ब्रश की तो आपको सेंटोपेनी में देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट फ्रेश वाटर फिशेस लाइक कोई फिश। ऑल लोकेशन विद फ्रेश वाटर स्पॉट्स हैव इक्वल चांस ऑफ केटिंग। यानी कि आपको एक बात बताता हूं यहां पे कोई फिश नाम की एक फ्रेश वाटर फिश होती है जो आपको साफ पानी में ही देखने को मिलती है और ये बहुत ज्यादा रेयर भी होती है, मतलब एक तरह से रेयर फिश कह सकते हैं उसको। तो आपको ये सिर्फ साफ पानी में ही देखने को मिलती है। दोस्तों अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं पपर फिश की तो ये आपको फॉल फॉरेस्ट स्नो हाइलैंड माउंट स्नो माउंट स्वैम दोनों मैप में मिलेगी, उसके बाद में चार्ल्स टाउन रिवर एरिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे अपना कैंप पॉइंट में देखने को मिलेगी, लिविन आउटस्कर्ट में और फास्टर सिटी में देखने को मिलेगी। फिर अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं रेड ब्लड प्राना की तो ये आपको रेडवुड टाउन और लिविन सिटी में देखने को मिलेगी, उसके बाद में रेड ग्रोपर जी आपको चार्ल्स टाउन सी साइड में देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद में सी ईल सेंटोपेनी में देखने को मिलेगी। फिर अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे ब्लू चीक बटरफ्लाई फिश की तो ये आपको सेंटोपेनी में चार्ल्स टाउन सी साइड में देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं एशियन अरवाना फिश की तो आपको माउंट स्नो और माउंट स्वैम दोनों मैप में देखने को मिलेगी, उसके बाद में लिविन सिटी, फिर उसके बाद में रेडवुड टाउन, उसके बाद में एस्टी रोना के मैप में देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर अपन बात करते हैं ब्लू गिल्ड सन फिश की तो आपको ये रेडवुड टाउन और लिविन सिटी में देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद में बटरफ्लाई फिश आपको सेंटोपेनी और उसके बाद में चार्ल्स टाउन सी साइड में देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको लॉबस्टर आपको सेंटोपेनी और चार्ल्स टाउन सी साइड में देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद में लूजन थ्रोन स्टार फिश आपको यहाँ पे चार्ल्स टाउन सी साइड में देखने को मिलेगी, उसके बाद में पैरोट फिश आपको यहाँ पे चार्ल्स टाउन सी साइड में देखने को मिलेगी, उसके बाद में पर्पल स्ट्रिप जेली फिश आपको सेंटोपेनी चार्ल्स टाउन सी साइड में देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे टर्टल की बात करते हैं तो आपको सॉफ्ट सील टर्टल आपको कैंप पॉइंट में और लिविन आउटस्कर्ट में देखने को मिलेगा, उसके बाद में यहाँ पे स्नो हाइलैंड्स
और यहाँ पे चार्लिस टाउन रिवर में देखने को मिलेगा, और उसके बाद में लेवन सिटी और फास्टर सिटी में देखने को मिलेगा। फिर अपन यहाँ पर स्पॉटेड एंजल फिश की बात करते हैं तो आपको ये सैंड कैस्टल और चार्लिस टाउन रिवर में देखने को मिलेगा। उसके बाद में स्पॉटेड फिश की बात करते हैं तो आपको ये फॉल फॉरेस्ट, लिविंग सिटी और फास्टर सिटी में देखने को मिलेगा। टाइगर फिश की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सेंटोपेनी में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में ब्रासेस की बात करते हैं तो आपको चार्लिस टाउन सी साइड में देखने को मिलेगा। उसके बाद में अपन यहाँ पर येलो टेल डैमसेल फिश की बात करते हैं तो आपको चार्लिस टाउन सी साइड में देखने को मिलेगी। दोस्तों अपन यहाँ पर रेड टिलीपिए की बात करते हैं तो आपको ये कैम पॉइंट में, लिविन आउट स्कर्ट में, फॉल फॉरेस्ट में, सेंट कैस्टल में, उसके बाद में स्नो हाइलैंड, माउंट स्नो और माउंट स्वयं दोनों मैप में, उसके बाद में चार्लिस टाउन रिवर में, लिविन सिटी में, रेडवुड टाउन में और फास्टर सिटी में देखने को मिलेगी। दोस्तों अपन यहाँ पर बिग हेड क्रीप की बात करते हैं तो आपको ये फॉल फॉरेस्ट में, सेंट कैस्टल में, स्नो हाइलैंड में, उसके बाद में माउंट स्नो और माउंट स्वयं दोनों मैप में, उसके बाद में चार्लिस टाउन रिवर में, लिविन सिटी में और उसके बाद में रेडवुड टाउन में और फास्टर सिटी में देखने को मिल जाएगा। फिर अपन यहाँ पर अगर हिल की बात करते हैं तो आपको हिल आपको फॉल फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी। उसके बाद में स्नो हाइलैंड में, माउंट स्नो पे, माउंट स्वयं पे, चार्लिस टाउन रिवर में, उसके बाद में लिविन सिटी, रेडवुड टाउन और फास्टर सिटी में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में अपन जाइंट फपर की बात करते हैं तो आपको ये लिविन सिटी और रेडवुड टाउन में देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में हिल्सा हेरिंग की बात करते हैं तो आपको माउंट स्वयं पे और रेनबो टॉरेड और रेडवुड टाउन और लिविन सिटी में देखने को मिलेगी। उसके बाद में रेड स्नैपर की बात करते हैं तो आपको ये सेंटोपेनी और चार्लिस टाउन सी साइड में देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में अपन सियोरी की बात करते हैं तो आपको सेंटोपेनी और चार्लिस टाउन सी साइड में देखने को मिलेगी। उसके बाद में फायर रेड फिश आपको सेंट कैस्टल में देखने को मिलेगी। फिर अपन यहाँ पर आइस अकोन्थोडियन की बात करते हैं तो ये आपको माउंट स्नो पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में शार्प वैली फिश की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे चार्लिस टाउन में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में शोल फिश आपको सेंटोपेनी में देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे टूना फिश जो है अपनी आपको तो आपको ये सेंटोपेनी में, फिर उसके बाद में बीना स्टोटो, उसके बाद में फॉल फॉरेस्ट, सेंट कैस्टल, स्नो हाइलैंड, माउंट स्नो, माउंट स्वैम्प, उसके बाद में एसटी रिवर, उसके बाद में लिविन सिटी और रेडवुड टाउन और फास्टर सिटी जैसी जगहों पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे लास्ट के तीन रेयर फिशेज की बात करते हैं जैसे कि एशियन अरवाना की बात करें तो ये आपको माउंट स्वैम्प और माउंट स्नो पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में अगर अपन कोई फिश की बात करते हैं तो आपको ये कोई से भी मैप पे देखने को मिल जाएगी सिवाय सेंटोपेनी की। सेंटोपेनी पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद में यहाँ पर अपन ब्लैक टिप रीफ चार की बात करते हैं तो ये आपको लेवल 9 के एस्टिरोना के मैप पे देखने को मिलेगी। और ये होता है अपना फिश का चैप्टर क्लोज। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नई नई फिशेस के बारे में आपको जानने को सीखने को मिला होगा। मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है कि कहीं पे भी फिश पकड़ने में, क्योंकि आपको सारे मैप्स के लोकेशन पता चल गए हैं कि कौन कौन से मैप में आपको कौन कौन सी फिशेस मिलने वाली है। और दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया तो प्लीज आप लोगों से एक ही हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगा है। करीबन मुझे एक वीक लग गया है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि भाई सारी लोकेशन ढूंढना, उसके बाद में भाई सारी फिशेस के नाम वाम कलेक्ट करना, सारे फिशेस के फोटोज वगैरह अरेंजमेंट करना, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगा है। और सच बताऊं ना, अब हम लोगों ने यहाँ पे लाइफ आफ्टर का पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर डाला है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हमारे पास में बताने लायक। और आपको हमने बेसिक नॉलेज से लेकर एडवांस नॉलेज तक सब कुछ बता डाला है, कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पर इसी वजह से वीडियो भी नहीं आ रहा है, इसी वजह से वीडियो भी लेट हो रहा है, एक एक हफ्ता लग जाता है वीडियो को आने में, क्योंकि भाई हम टॉपिक ही सोचने में रह जाते हैं कि भाई अब नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि भाई टॉपिक ही नहीं बचा ना। तो भाई अगर आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक चल रहा है अच्छा सा तो प्लीज कमेंट करो ताकि भाई अपन वीडियो लेके आए। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, अपन फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तो बाय बाय। अबे चिच्चा कहां भाग रहा है बे, नेक्स्ट टॉपिक तो बता के जा किस पे वीडियो बनानी है।